भगवान शंकर उनका आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बयान सुनाया क्यों नहीं, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी के ये एमएलसी लाल बिहारी यादव महादेव के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिसे ना सुना जा सकता है ना कहा जा सकता है। लेकिन ना तो इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ, ना ही इनकी पार्टी ने इन पर कोई एक्शन लिया। वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा, उसको फव्वारा कहना गलत है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा उसमें इनको पीड़ा ही उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। नुपुर शर्मा को जान से मारने की, उनका सर धड़ से अलग करने की धमकी दी जा रही है। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। सवाल ये है कि क्या कुछ लोग एक घटना का बहाना बनाकर मनमानी पर उतर आए? नुपुर शर्मा ने जो कहा उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इस बयान के बाद हिंसा की जा रही है, नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है, संविधान को चुनौती दी जा रही है, उसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। व्यूअर्स, आज की चर्चा बेहद जरूरी है। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ ऑडियंस है। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, नुपुर शर्मा ने जो बोला उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कानून संवत काम होगा। गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है, जिस संविधान की प्रतिलिपि ये छाती पर लगा के चलते हैं, बोलते हैं हम संविधान को फॉलो करते हैं। समटाइम्स वी से ना, पिक्चर्स डोंट लाई। आज तस्वीर बोल रही है और इस बोलती हुई तस्वीर के पीछे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शांत मन से आप इस तस्वीर को देखिए। ये दिल्ली की जामा मस्जिद की है, जुम्मे की नमाज के बाद की ये तस्वीर है। सैकड़ों लोगों का हजूम है, सैकड़ों लोगों की भीड़ है, सिर्फ दिल्ली की जामा मस्जिद में नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के अंदर इस तरह की भीड़ है। जम्मू कश्मीर के एक मौलाना ने तो ऐसी बात बोली है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैं आपको कह भी नहीं सकता, बीप के अलावा कुछ चला भी नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक ऐसी बात बोली है जो मैं बीप के अलावा बता नहीं सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक क्या हो रहा है ये तस्वीर जरूर देखिए। आजा